Bloody Mary, I stole your baby. So guys, आज मैं फिर से आ गई हूँ. बैकग्राउंड एंड एम्बियंस देख के तो समझ ही गए होंगे, स्केरी हॉन्टेड हॉरर वीडियो लेके. एंड पता नहीं यार आज का वीडियो डरावना होने वाला है या नहीं. तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लडी मैरी चैलेंज, वो भी रात के 3 बजे. तो इसलिए मैं कैंडल्स लेके बिल्कुल रेडी हूँ. एंड आई होप कि ब्लडी मैरी मुझे ना दिखे, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे दिख गई तो मैं तो बेहोश हो जाने वाली हूँ, शायद मर भी जा सकती हूँ, शायद और वीडियोस नहीं बना पाऊँगी आपके लिए. पता नहीं यार, हार्ट फेल हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी लेवल की फट्टू हूँ. एंड फिर भी आप मुझे कुछ बोलो ना, तो मैं आपकी बात टाल नहीं सकती. तो यार चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में. बाद में फिर से जला लूँगी, कोई बात नहीं. सो गाइज, मैंने रिसेंटली ब्लडी मैरी का फुल स्टोरी बोल के एक वीडियो बनाया था. अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ, आप देख लो ब्लडी मैरी का जो स्टोरी है वो. ब्लडी मैरी का ये जो कहानी है ये 100% रियल है. तो वो चाहती थी कि उनकी जो जवानी है वो बहुत दिन तक टिका रहे, तो इसके लिए वो खून से नहाती थी, इंसानों के खून से वो नहाती थी. कुछ दिन बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई एंड शी वॉज सो हैप्पी. तो जब उनका डिलीवरी का टाइम आया, जो डॉक्टर्स उनके डिलीवरी करा रहे थे, जो भी उनका डिलीवरी करा रहा था, उन्होंने बोला कि मैरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा था ही नहीं. शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 9 months, बट डिलीवरी के टाइम पे कोई बच्चा था ही नहीं. एंड तभी मैरी को लगा या फिर उनको पता चल गया कि वो जिस शैतान का पूजा करती है, शायद उनके बच्चे को शैतान अपनी बलि के लिए ले रहा है. एंड ऐसे उनके बच्चे गायब हो रहे हैं. तो अभी भी माना जाता है, सिर्फ माना नहीं जाता, लाखों लोग मानते हैं कि रात के 3 बजे के वक्त अगर आप मोमबत्ती लेके आईने के सामने खड़े होके 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी कह के बुलाते हो, देन वो आपको आईने में दिखती है. डर लगा ना? एंड गाइस, फुल वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड वाइड लाखों लोगों ने ये वाला चैलेंज किया है. एंड बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं. ये चैलेंज कैसे किया जाता है? ये चैलेंज करने का 3 ways है, 3 ways में ये चैलेंज किया जाता है. पहला जो वे है, आपको कैंडल्स लेके, कैंडल्स पकड़ के आईने के सामने खड़े होके बोलना पड़ेगा, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी. मुझे तो कैमरा के सामने बोलने में डर लग रहा है यार, एंड वो तो आईने के सामने. एंड अगर इस पर आपको नहीं दिखी मैरी, दिख जाती है कभी कभी, बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया है, बट इस पर अगर आपको कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं हुआ, आप 13 बार ब्लडी मैरी बोल के बुला सकते हो ब्लडी मैरी को. एंड बोला जाता है कि 13 इज एन अनलकी नंबर, तो शायद 13 बार बुलाने से वो दिखे. एंड तब भी अगर वो नहीं दिखती है तो आपको बोलना है, कैसा आवाज़ था ये भाई, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी. एंड माना जाता है कि अगर आप ये बोलते हो देन ब्लडी मैरी आपका कुछ ना कुछ नुकसान करती है, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक बच्चा हो. एंड उसको लगता था कि किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है, तो उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो मर गई. तो आप अगर ये बोलते हो कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ
दिखती है या फिर कुछ ना कुछ करती है, आपको हार्म करने की कोशिश करती है। तो यही तीन वेज होते हैं। आई विश कि पहली बार में कुछ हो जाए ताकि हमें स्टेज टू या फिर स्टेज थ्री में जाना ही ना पड़े। तो यार चलो हम कर देते हैं अभी लाइट्स को ऑफ एंड मोमबत्तियाँ जला के चालू करते हैं आज का चैलेंज। यार अभी से ही मुझे यार गूज बम्स हो रहे हैं, मतलब अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार, आई स्वेयर। गाइज आप देख सकते हो 2:54 हो गया है, मतलब 3 बजने ही वाला है। गाइज यहाँ पे पूरा अंधेरा है, सिर्फ ये दोनों कैंडल्स लेके मैं खड़ी हूँ एंड ज़्यादा देर तो आई डोंट थिंक मैं खड़ी रहूँगी, तो मैं फेंट हो जाऊँगी शायद, तो जल्दी से कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है बट कुछ दिखा तो नहीं मुझे एटलीस्ट। तो हम लोग फिर से करने वाले हैं 13 times एंड ट्रस्ट मी गाइज मुझे ना ठंड लग रही है, आई डोंट नो क्यों, मतलब अभी गर्मी का मौसम चल रहा है बट मुझे ठंड लग रही है, आई हैव नो आइडिया क्यों। ओके ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। आई डोंट नो गाइज बट आप जब आईने में पीछे अंधेरा देखते हो ना, आपको कुछ भी हो आपको ऐसा ही लगता है कि शायद कोई खड़ा है। तो आई डोंट नो, मुझे वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा डरावना लगा नहीं एंड अगर कुछ लग भी रहा है तो भी मैं यही सोच रही हूँ कि शायद कुछ चीज़ होगा जिसको मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ। तो लेट्स डू द फाइनल थिंग जहाँ पर मैं वो चीज़ बोलने वाली हूँ जो बोलने पर ब्लडी मैरी आपकी कुछ नुकसान कर सकती है। तो लेट्स ट्राई इट। ओ गॉड आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर बट बस आपके लिए कर रही हूँ गाइज, बस आपके लिए, आई डोंट नो क्या होगा। ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, Bloody Mary, I stole your baby. क्या आपने देखा कि अभी अभी या फिर मुझे लगा, I don't know, मैंने सही देखा या फिर मुझे लगा गलत देखा मैंने, I have no idea guys, I really have no idea. I have no idea. हो सकता है शायद मैं सोच रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो ऐसे ही डर रही हूँ यार, हो सकता है कि कुछ भी हुआ ही नहीं होगा, बस मैं ऐसे डर गई। We are gonna do it again, ठीक है, फिर से करने वाले हैं सेम चीज़, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ हुआ, I felt something, I swear I felt something, ठीक है। Oh my God, oh my God, आई स्वेयर आई फेल्ट समथिंग गाइज, आई स्वेयर आई फेल्ट समथिंग, तो इसीलिए मैं फिर से कर रही हूँ। ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल
योर बेबी। आई डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर, मैं भी लाइट ऑन करने वाली हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी, मैं भी अनॉय नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या था, शायद मेरी सांसें ऐसे चल रही थी ज़्यादा ज़ोर से, या फिर हवा आ गया कहाँ से, पता नहीं चला। मैं तो यहाँ पे यार, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, बट आई हैव नो आइडिया हाउ इट हैपेंड, बट मुझे यार लगा कि कुछ हुआ, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, शायद मेरी भ्रम है या फिर कुछ सही में हुआ। मेरे से बात नहीं किया जा रहा अभी, समझ सकते हो। ओके, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज आफ्टर सम टाइम, थोड़ा सा। गाइज, आई रियली हैव नो आइडिया कि ये क्या था, शायद मेरी ही सांसें ज़ोर से चल रही थी, या अचानक कहाँ से हवा आ गया, पता नहीं, मतलब मुझे बस ये पता है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कुछ हुआ, एंड मैं तो डर गई यार। मैं, आपको पता है मैं बहुत बड़ी पट्टू हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। एंड आई स्वेयर गाइज, मैं जब कर रही थी ना, वो जब कर रही थी तो दो तीन बार मैंने बोला, चार पांच बार बोला, एंड उसके बाद से ना अचानक मुझे ठंड लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था ना कि अभी जैसे देखो मैं स्वेटिंग हो रहा है मुझे, ठीक है, इतनी गर्मी लग रही है डर के मारे, बट तभी ना मुझे ठंड लग रहा था अचानक से, मुझे लग रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा फील कर रही हूँ मैं, मतलब होता है ना कि ठंड लग रहा था यार, समझा नहीं पाऊंगी मैं आपको फीलिंग्स वो, बट आई स्वेयर मुझे लगा कि कुछ ठंडा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर लेना। आई नो आप लोग करते हो, इतने प्यारे हो, बट फिर भी मेरे लिए थोड़ा और ही दुआ, और ज़्यादा थोड़ा दुआ कर लेना, क्योंकि समझ सकते हो यार, ठीक है। एंड अभी आज रात को मैं नहीं सोने वाली, आई स्वेयर मैं नहीं सोने वाली, मैं सोऊंगी ही नहीं, मैं अभी ना भगवान के भजन सुनने वाली हूँ, भजन करने वाली हूँ, कुछ भी करने वाली हूँ, भगवान का नाम जप कर लूँगी, बट मैं सोऊंगी तो नहीं आज रात को, फॉर श्योर, ठीक है। या कोई बात नहीं यार, हो अच्छी हूँ मैं, ठीक हूँ, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, बोला नहीं जा रहा, ठीक है यार, ठीक है यार, ऐसे मूड में मैं वीडियो को एंड नहीं करना चाहती। आप लोग इतने प्यारे हो, प्यार देना तो बनता है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है, एंड आगे भी। सो गाइज, अगर आगे भी आप हॉरर टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसे ही चैलेंजेस देखना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यार, ऐसे वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है, बाय गाइज, बाय।